नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2। ये इंग्लिश की वर्कशीट होगी। ये वर्कशीट है 14 सितंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, लास्ट वीक वी रेड स्टेंजा वन ऑफ द पोम अ हाउस अ होम। वो क्या कह रहा है कि हमने पिछले हफ्ते स्टेंजा वन यानी पहला स्टेंजा यानी पहला पैराग्राफ पढ़ा था, किसका? अ पोम, उसका नाम क्या था? अ हाउस अ होम। नाउ लेट्स रीड स्टेंजा टू ऑफ द पोम। अब उसका स्टेंजा टू पढ़ते हैं। चलिए पहले मैं एक बार ये पूरा पढ़ दूंगा, उसके बाद आपको उसका मतलब बताऊंगा। वट इज़ अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। चलिए इसका मतलब हम जान लेते हैं। वट इज़ अ होम? एक घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली, ये प्यार और परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं वो। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये और भाई और बहन। एंड फादर्स एंड मदर्स, जहाँ पे कौन हो? माता और पिता भी हो। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश का मतलब होता है जो आप दूसरों के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और जब आप एक दूसरे के साथ बांटते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और अपने प्यारों को आप हमेशा बताते हैं कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट। तो यहाँ पर आप अपने घर का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भी भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड हाउस एंड अ होम डोंट मीन द सेम। वो क्या कह रहा है? हाउस और होम का मतलब एक जैसा नहीं होता। ब्रिक्स, सीमेंट, वुड एंड ग्लास मेक अ हाउस, यानी कि ईंटें, सीमेंट, लकड़ी और शीशे से क्या बनता है? हाउस बनता है। होम नहीं बनता, हाउस बनता है। इट हैज़ डोर्स, इसमें दरवाजे होते हैं, विंडोज़ यानी खिड़कियाँ, चिमनीज एट्सेट्रा। वेयर एज, जबकि अ होम, होम कैसे बनता है? इज़ मेड अप ऑफ अ ब्यूटिफुल फैमिली, जैसा कि अभी हमने ऊपर स्टैंजा टू में भी पढ़ा था। वो किससे बनता है? होम किससे बनता है? एक सुंदर परिवार से बनता है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक फैमिली में कौन कौन होता है? पिता, माता, भाई और बहन। ऑल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली आर डीपली अटैच टू ईच अदर्स, और सब एक दूसरे से घुल मिलकर और प्यार से रहते हैं। दे हैव लव एंड केयर फॉर ईच अदर, और उनमें आपस में प्यार और स्नेह की भावना होती है। दे शेयर देयर फीलिंग्स विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने विचार बांटते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। वो क्या कह रहा है? जैसे कि हमने ऊपर पोएम पढ़ी है, इसके हिसाब से नीचे सही ऑप्शन सिलेक्ट करें और उस सेंटेंस को पूरा करें। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। नंबर 1, अ होम इज मेड बाय अ होम। अब ध्यान देना यहाँ पे, अ होम, होम किससे बनता है? सीमेंट से? नहीं। चिमनी से? नहीं। लव एंड केयर से? हाँ। ब्रिक से? नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लव एंड केयर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अ हाउस हैज़, अब ध्यान देना, हाउस, ब्रदर? नहीं। सिस्टर? नहीं। फादर? नहीं। रूफ? यस, हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, तो रूफ हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अ होम हैज़, आगे लिखा हुआ, चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन। तो यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो देखते हैं, होम की बात हो रही है, फादर हाँ होता है, मदर भी होती है, सीमेंट नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी होते हैं। तो ये तीनों हम यहाँ पर लिख देंगे, फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, ये क्या पूछ रहा है कि मेरे होम के बारे में, ठीक है, मेरे घर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? अपने भाई बहन का प्यार लिख सकते हैं, माता पिता का प्यार लिख सकते हैं, और अपने आपस में जो आप फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।